हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रूबरू और हमेशा की तरह मैं अभिलाषा पाठक हाजिर हूं एक बार फिर से एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। इन्होंने रैंप से लेकर स्क्रीन तक, मॉडल से लेकर सेलिब्रिटीज तक सब कुछ सजाया सवारा और उनके पर्सनैलिटीज में चार चांद लगाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली बेस्ड फेमस फैशन डिजाइनर अमित तलवार की। अमित, वेलकम टू आवर शो। टेल मी अबाउट योर फैशन हाउस त्रिकाया। Well, Trikaya, as I said, this been name suggested. My friend ने करा था Trikaya, जिसका मतलब होता है कि तीन काया। उसको हम, अगर मैं इंडियन मेथोलॉजिकली सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। अच्छा। और मैं ये सोचता हूँ कि men, women and kids। तो ये सब के तरीके से मैंने त्रिकाया सोचा था। क्या आपके पेरेंट्स ने सोचा था कि आप फैशन डिजाइनर बनेंगे या खुद आपने सोचा था कि मैं फैशन को ही एज अ करियर लूंगा? मुझे बस कपड़ों का शौक है, डिजाइनिंग का शौक है। पेरेंट्स तो क्या है, उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे फादर बिजनेस से थे तो उन्होंने शुरू से ही बोला था कि हमारे बिजनेस में आ जाओ। और जब शुरुआत भी करी, मुझे ये बनना है, मुझे डिजाइनिंग में जाना है, तो उनका सबसे पहला आंसर ये था कि टेलर बनोगे, तुम्हें शर्म नहीं आएगा टेलर बनते हुए? फैशन डिजाइनर का मतलब वो टेलर समझते थे। उनके लिए टेलर ही था, क्योंकि आई थिंक सो मेरी पूरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसी फील्ड में लाइफ में आया हूँ। तो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने ली? या मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था IIFT साउथेक से, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स मैंने नेट से करा। सो यहाँ से मेरे पेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और मुझे लगा कि शायद डिजाइनिंग तो मुझे करना आता था या शौक बहुत था, लेकिन जो टेक्निकल लैंग्वेज है या जो कहते ना कि एक डिग्री आपको हाथ में चाहिए, वो बहुत जरूरी थी। मुझे ये बताइए कि इंडियन फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इंडियन फैशन डिजाइन की बात करें, हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, पहले से कितना बदलाव आप देखते हैं और कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है ये? पहले से तो बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले जब मैं इसको स्ट्रगल पे लग रहा था, कर रहा था, तब गिने चुने एक दो डिजाइनर थे या लोगों को भी बस ये पता था कि मार्केट जाके कपड़े खरीदने। आज अगर आप पूछो किसी से भी तो सबको ब्रांड्स भी इनको है, और या वो कहते हैं किसी डिज़ाइनर का, हमें उस दुकान पे जाके नहीं खरीदना सामान जहाँ पे एक जैसे 50 हो। वो कहते हैं हमारी जैसी ड्रेस कोई और ना डाले। तो अपने आप ही वो कॉन्शियसनेस सब में बढ़ चुकी है, बट कॉम्पिटिशन तो बहुत है। हर दूसरे दिन आपको एक नया डिज़ाइनर, एक नया बुटीक है। बट आई थिंक सो आई लाइक कॉम्पिटिशन। मेरे अगर आमने सामने और शो खुलता है, मैं कहता हूँ दैट्स गुड, मुझे और मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का कि उनसे शायद बेटर मैं हूँ। आपकी स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? मेरी स्टाइल स्टेटमेंट हमेशा से ही इंडियन रूट्स के साथ तो हमेशा अटैच रहेगा। मैं बिल्कुल भी जाकर ये नहीं कह सकता कि 100% वेस्टर्न आई एम गिविंग और ये नहीं। मुझे इंडियन कल्चर, उसके एम्ब्रॉयडरीज का काम बहुत पसंद है। हाँ, अब ये आ गया है कि जो लोग इंडियन नहीं डालना चाहते या टिपिकल इंडियन कपड़े नहीं डालना चाहते, उनको मैं वेस्टर्न कट्स के साथ कुछ इंडियन बीच में ट्रेडिशनल डाल के दे रहे हैं। और जब हम रैंप शोज देखते हैं तो वाकई में स्टेज पर दिखता है कि एक डिज़ाइनर की कितनी मेहनत है, एक एक ड्रेस, द वे दे आर ड्रेप्ड, द वे दे आर यू नो परफॉर्म्ड ऑन द रैंप शो, तो क्या होता है हमें भी बताइए। और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि एक फैशन डिज़ाइनर कैसे उसे लाता है स्टेज पर, कितनी मेहनत उसके पीछे होती है। स्टेज पर एक ड्रेस जाने से पहले वो कटिंग से, स्टिचिंग से, डांट से, मॉडल्स के ऊपर ड्रेप करने से, मॉडल्स ने ठीक नहीं डाला शायद उनको डांट पड़ रहा है, या स्टाइलिस्ट ने ठीक नहीं किया उनको डांट पड़ रहा है, या मेरी ड्रेसिंग के अंदर भी कुछ स्टिचिंग में कुछ कमी है, या टेलर को डर रहा है, ये सब निकलते 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 जाके एक बेस्ट पीस सामने स्टेज पर आता है जो लोगों को ये दिखता है। बट पीछे बहुत कुछ होता है जो लोगों को नहीं दिखता। जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, जहाँ इतने फैशन डिज़ाइनर्स हैं, इतने स्टाइलिस्ट हैं, उसमें अपने लिए एक अलग मार्क बनाना, इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग। कैसे करते हैं आप? डेफिनेटली मेरा काम, डेफिनेटली सबसे पहले मैं कह रहा हूँ, आप जितनी मर्जी आप अच्छे से बोलो, जितनी मर्जी आपकी अच्छी शक्ल है सब कुछ, अगर आप प्रोडक्ट उनको फाइनल अच्छा नहीं दे रहे तो वापस मुड़ के नहीं आएगा। यहाँ तक पहुँच गया तो आई थिंक सो मेरे कपड़ा, मेरा काम, मेरी नई चीज़ें, मेहनत जितनी जितनी मैं देता जा रहा था, उससे मेरे क्लाइंट्स का काम बढ़ता गया। आज अगर मैं किसी को डिज़ाइन करता हूँ तो मैं उनको ये नहीं बोलता ये फैशन में आप डाल लो, मेरे हिसाब से ये फैशन को वो फॉलो नहीं करना चाहिए, अंधे होके फॉलो नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो ड्रेस बहुत अच्छी हो, बट आपकी बॉडी फिगर टाइप पे वो सूट नहीं कर रही, तो आई जस्ट से दैट वो डालो जो लोग आपको आके कहें कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये ना कहें कि ड्रेस बहुत सुंदर है बट आप पे नहीं अच्छी लग रही। बिल्कुल, तो मेरी थिंकिंग यही रहेगी। त्रिकाया आज कहाँ पर है और आगे की आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? त्रिकाया आज इस जगह पर है कि अगर कोई भी किसी भी स्टाइलिस्ट, किसी भी पार्टीज, किसी भी न्यूज़ चैनल्स या किसी भी न्यूज़पेपर्स को पता हो कि अमित तलवार त्रिकाया है, तो मतलब मुझे नाम बोलने की अब जरूरत नहीं पड़ती, अब उन्हें मालूम है। और आई थिंक सो वो मेरे काम से ही आगे आया है,
मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर लिया, उन्होंने पसंद किया मेरा और उन्होंने दोबारा मेरे पास आए। बहुत से ऐसे जिन्हें जैसे हमारे पद्मश्री अवार्डेड तनाज मसानी है, उनके लिए मैं 10 साल से कपड़े बना रहा हूँ पिछले, उनको कुछ भी कहीं भी डालना हो। वो अनामिका है सिंगर, उनके लिए बनाया मैंने, प्लैनेट डांस ग्रुप के लिए बनाया, फिर धीरे धीरे मोना सिंह के कपड़े बनाए, फिर जिया खान के बनाए, फिर पूजा मिश्रा के बनाए, से करते करते कुछ शूट्स मैंने एक सोनाली बेंद्रे के साथ करी। मैं करते 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 शायद मेरा काम है जिसकी वजह से ही वो शूट्स मिल रहे हैं। अमित से हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आइए यहाँ पर नजर डालते हैं अमित के फैशन हाउस त्रिकाया के प्रोफाइल पर। अमित तलवार एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी कामयाबी की कहानी अपने हाथों लिखी। बचपन में कॉपियों के पीछे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, लड़कियों की तस्वीर बनाना, उन्हें खूबसूरत कपड़ों से सजाना अमित को बेहद पसंद था। लेकिन शायद अमित को भी ये नहीं मालूम था कि यही डिजाइन आगे चलकर फिल्मी सितारों के स्टाइल आइकन बन सकते हैं। लेकिन कुछ अलग करने की ललक और चाह अमित में शुरू से ही भरी हुई थी। तभी तो टीचर्स के डांट के बावजूद अमित ने डिजाइन बनाना नहीं छोड़ा। अमित ने अपने माता पिता को ये बता दिया कि वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं। अमित ने 12वीं पास करने के बाद IIFT से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया और साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। अमित की क्रिएटिविटी के साथ साथ उनकी किस्मत भी शबाब पर थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के तुरंत बाद ही अमित को गारमेंट इंडिया में बतौर डिजाइनर काम करने का मौका मिला। गारमेंट इंडिया में काम करने के बाद अमित ने दुबई के एक बुटीक चेन में काम किया और फिर अमित ने अपने देश के लोगों के व्यक्तित्व को संवारने की ठान ली और उन्होंने अपनी डिजाइन किए हुए कपड़ों को लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। और इसके लिए उन्हें जरूरत थी कुशल कारीगरों की, टेलर्स की, जो उनके बताए डिजाइन को हूबहू कपड़ों पर उतार सके। एक क्रिएटिव टीम के साथ अमित ने अपना एक स्टोर खोला, अपनी क्रिएटिविटी और डिजाइन को नाम दिया त्रिकाया। अमित के लिए अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों को लोगों की पसंद बनाने की चुनौती अब दुगनी हो गई थी, क्योंकि बुटीक और डिजाइन और भी थे। लेकिन कहते हैं ना, जब काम बड़ा हो तो चुनौती उससे दुगनी बड़ी हो जाती है। जी हाँ, मेहनत और क्रिएटिविटी ने अमित को चमकता सितारा बना दिया और आज रैंप से लेकर बड़े पर्दे तक, मॉडल से लेकर सेलिब्रिटी तक, सभी को अमित अपने डिजाइन के कपड़ों से यूनिक स्टाइल देते हैं, उन्हें सजाते हैं, सवारते हैं और उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। आज त्रिकाया के 3 वर्कशॉप्स हैं। अमित तलवार की फैशन की दुनिया में एक अलग नाम है, पहचान है और इनकी कामयाबी का आलम यह है कि त्रिकाया फैशन हाउस के और भी ब्रांचेस देश के अलग अलग शहरों में खुलने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद हम उनके वर्कशॉप पे चलेंगे, तो हम आ गए हैं समझने के लिए उनके काम को और बेहतर ढंग से। हाय। हाय। So you're very busy. क्या चल रहा है यहाँ पे? Yes, very busy because there are too many clients coming. तो अंदर कुछ चल रहा है काम? Yes, काफी कुछ चल रहा होगा वर्कशॉप पे। चलिए आपको वर्कशॉप की तरफ भी लेके चलते हैं। इस वर्कशॉप यहाँ पर अभी आज एक वन ऑफ माय क्लाइंट उसका रिसेप्शन का ड्रेस बन रहा है। सो दिस इज अ गाउन बेसिकली। तो अब ये डमी पे पूरा टक होता जाएगा, फिट होता जाएगा, फिर हम डमी पे इसको फिट करते हैं, पिनिंग करते हैं और तब कटिंग होता है ये। आई कुड सी इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव एंड वेलवेट पे पूरा ड्रेस ये बना हुआ है। Yes. ये सारा कुछ हैंडवर्क होता है? इट्स ऑल हैंडवर्क और आई थिंक सो इसको हमें हम जैसे महीने से लगे हुए हैं इसको एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करने में। अब शायद हमारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बच गया है। तो ये ड्रेस अभी एक रफ कट हम इसे कह सकते हैं? 90% हम भी काफी फेमस है कि हमें अल्टरेशंस नहीं करनी पड़ती। कि डमी कट पे जितना मेजरमेंट है उसके हिसाब से बन के कट आएगा, जब कस्टमर डाले तो उसको एक बार में परफेक्ट आए। जैसे अब ये वाला है, ये भी किसी और का कस्टमर का ड्रेस बन रहा है, इसमें सारा गोटा पत्ती का काम है। तो अब जैसे ये कम्प्लीट हो चुका है, सो मनिंदर जी ये सारी चीजों को देखते हैं कि कहाँ पे हेमिंग हो रहा है, कैसा है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये है गुरजीत, आई थिंक सो आई विल से फॉर माय प्रोफेशन माय अदर एक्चुअली वेरी बेटर हाफ, बिकॉज इफ आई एम नॉट हियर सो यही सब हैंडल करती हैं। कितने साल से ये आपके साथ काम कर रही?
9 years. 9 साल हो गए. 9 साल. ये वर्क हो रहा है वो डमी पे जैसे जैसा अब कट होता जा रहा है. इज अर्शद वन ऑफ अ वेरी गुड वर्कर. सो जैसे जैसा वो आता जाएगा तो ये स्टिचिंग पार्ट में आएंगे. खुर्शीद आई थिंक. सो खुर्शीद कितने साल हो गए तुम्हें काम करते हो? 10 साल हो गए हैं खुर्शीद को. 10 साल आपने अमित जी के साथ काम किया, क्या सीखा है इनसे? बहुत कुछ सीखा है. पहले तो हम लोग नहीं समझ पाते थे इतना कि मतलब ऐसा भी काम होता है. बट मतलब वर्कर के हिसाब से एक डिजाइनर के पास काम करना बहुत बड़ी बात होती है. Hi, I'm Nena and I'm wearing Amit Talwar's design and he told me that it's a kite dress and I feel like flying in this dress and it's moreover like very stunning and very amazing dress. I'm wearing this dress from Amit Talwar. It's all about Rajputana theme. I feel like a Rajputana king by wearing this. And about Amit, Amit is a very good person but at the time of the shows he's very strict. We can't even utter a word in front of him. Nothing much. He's a very good guy. He treats us like his friends and nothing much. कपड़ों का सही सिलेक्शन आपकी खामियों को कमियों को छुपा सकता है. तो आइए हमारे फैशन डिजाइनर से ही पूछते हैं कुछ टिप्स जिससे आप बेहतर दिख सकें, स्मार्ट दिख सकें. अमित हमें बताइए कि महिलाओं के लिए उन्हें ड्रेसिंग करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के फिगर पे क्या सूट करता है? डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो अपने पे ये ध्यान दें कि अगर कोई बंदा थोड़ा हाइट में कम है या थोड़ा मोटा है तो हम बड़े प्रिंट्स ना डालें. लाल रंग ज़्यादातर शरीर को और बड़ा दिखाता है तो हम कुछ डार्क कलर्स लें, डीप कलर्स लें. अगर समर्स के लिए ले रहे हैं तो हम ब्राइट लें मगर डीप कलर्स लें और थोड़ा सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान रखें. और यही कोई बंदा बहुत ज़्यादा टॉल है तो फिर उसके अंदर हम बड़े प्रिंट्स ले सकते हैं, हम फ्लोरल ऊपर यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो हर एक का अलग टेस्ट और हर एक पे एक अलग चीज़ सूट करेगी. अब कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि 6-7-8 months प्रेगनेंट भी हैं मगर घर पर फंक्शन है तो उनको जाना तो है, कपड़े भी डालना है. जैसे कि मैंने एक ये ड्रेस बनाया दिस वुमन जिस कस्टमर का है शी इज़ प्रेगनेंट. तो अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ पे कुछ बनाता हूँ तो डेफिनेटली आप सबसे ज़्यादा यहीं पे विजिबल होते हैं. और अगर आप यही नीचे आप फ्लोर और जितना मर्जी फैला देंगे अपने शरीर से जितना ड्रेस को बाहर रखेंगे तो वो ड्रेस का डिज़ाइन लगेगा, आपका पेट छुप जाएगा क्योंकि आपका ये बढ़ चुका है नीचे से. तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं. अब ये हमारा एक मीडियम साइज़ है. अब मीडियम साइज़ के लिए भी हमने जैसे ये ड्रेस बनाया लॉन्ग, तब आपका अगर आप हैवी बस से हैं थोड़ा सा और नीचे हिप्स आपके हैं बट आपकी वेस्ट लाइन अच्छी है तो उसको छुपाना नहीं है क्योंकि क्या होगा कि अगर हम यहीं से खुला डाल लेंगे जो कमर है वो भी चली जाएगी. तो हमने इसके साथ ये बेल्ट दिया हुआ है. सो बेल्ट ये बंद होगा पूरा वेस्ट पे ताकि आपकी वेस्ट लाइन हाईलाइट हो जाएगी और उससे आप ओवरऑल पतले लगेंगे और सुंदर लगेंगे. मैं कई बार अपने कस्टमर को ये चीज़ बोलता हूँ कि जैसे उनका एक लहंगा बन रहा है, एक चोली बन रही है, दुपट्टा, तो मैंने लहंगा और चोली के साथ एक पूरा साड़ी दिया हुआ है. तो उन्हें 1 महीने पहले एक फंक्शन पे कुछ डालना है और 1-2 महीने बाद, तो वो साड़ी और ब्लाउज़ और लहंगा है तो बाद में सिर्फ साड़ी और ब्लाउज़ डालेंगे और अभी लहंगे के साथ वो एक तो ना याद रहेगा ड्रेस का और ना वो इफ़ेक्ट देगा. और मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ से एक पैसे में 2 चीज़ें आ गई आपकी. पुरुषों के लिए बताइए उन्हें कपड़े पहनते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा टॉल हैं तो आप डेफिनेटली लॉन्ग नी लेंथ वाला आप शेरवानी डाल सकते हैं, आप पोलो पैंट्स डाल सकते हैं. लेकिन अगर आप शॉर्ट हैं तो आप पोलो पैंट्स बिल्कुल मना कर देंगे. हम थोड़ा सा एंकल लेंथ तक उनकी पैंट्स रखेंगे ताकि हाइट टॉल दिखे. कोट की लेंथ हम शॉर्ट कर देंगे ताकि टांगे लंबी दिखे, जिससे वो लंबे दिखें. अगर थोड़ा कोई बंदा मोटा है या पेट बाहर है कुछ ऐसा है तो उसके लिए हम शेप देंगे. हम ये नहीं कहेंगे कि ज़्यादातर लोगों का कहना है मोटे तो पूरा लूज डाल लो. आप वैसा कपड़ा मत डालिए, कुछ भी ऐसा जो बहुत पतला कपड़ा हो बॉडी के साथ चिपक रहा है उसमें तो सब कुछ बाहर नज़र आता है. तो हम सोचते हैं कि थोड़ा ऐसा आ जाए जैसे कि मेरे को आपने देखा है समर्स में अगर मैं लाइट ब्लू कलर का एक लिनन का जैकेट डाला हुआ है, वाइट शर्ट है मैंने टीम करा हुआ है वाइट शूज़ के साथ ब्लैक के साथ, तो एक कॉम्बिनेशन बना दी जिससे लुक में आपका सटलनेस आ जाए.
ये चीज़ों का ही बस आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया टिप्स आपने हमारे दर्शकों को दिया और मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में जाने से पहले या शॉपिंग करने से पहले ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टिप्स देने के लिए अमित। थैंक यू। हम आ गए हैं उस सेगमेंट में जो आपको खास पसंद है, क्योंकि हम मिलवाते हैं आपको हमारे एंटरप्रेन्योर के परिवार से। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अमित, कौन कौन है आपके परिवार में? स्टार्टिंग फ्रॉम माय मदर, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर रश्मि, माय नेफ्यू मदन एंड माय फ्रेंड रोनिका। बचपन में क्या इनके अंदर वो डिज़ाइनर ट्रेट्स थे? कभी लगा था कि ये आगे जाके कुछ क्रिएटिव करेगा? बिल्कुल, बहुत छोटे से ही सारी इसमें क्वालिटीज थी जो लगता था हमें, बट हम लोग अगेंस्ट भी थे, स्पेशली माई फादर। बट फिर धीरे धीरे लगा कि इसका ये इंटरेस्ट है, तो आई शुड नॉट लाइक सपोर्ट हिम। अमित, कैसे कन्विंस किया आपने? उन्हें उस व्यू से नहीं वो देख पा रहे जिस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे इस काम में जाना है, मैं इसमें फील्ड में आगे जाना चाहता हूँ। पर धीरे 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 आई थिंक सो, आप किसी भी काम में जब जाते हो तो सब अगेंस्ट होते हैं, जब आप सक्सेस पाते हो तो सब अपने आप बोलती बंद हो जाती है, सब कहते हैं हाँ ठीक कहा था। कभी ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको लगा कि बहुत ही हताश हुए हो या इन्हें लगा हो कि पता नहीं मंजिल मिलेगी या नहीं? कई बार सोचते हैं, पर ऐसा नहीं था, मुझे था कि ये निकल जाएगा क्योंकि शुरू से ये टैलेंट तो था इसमें कि मुझे यही काम करना है, जिद्दी तो था शुरू से। हम कहते फिर कर अपना और क्या है जी। रश्मि, आपकी और भाई की केमिस्ट्री कैसी थी? केमिस्ट्री लाइक सबके सामने तो बहुत अच्छी थी, पर अंदर तो हम लोग बहुत लड़ते थे, मतलब बट हमारी जो लड़ाई थी, फाइटिंग थी, दैट वाज जस्ट हमारे बीच में ही रहती थी, हम उसको किसी को बताने नहीं देते थे। घर की कितनी चीज़ें टूटती थी, गायब हो जाती थी। टूटती भी थी? टूटती थी, और वो गायब इसलिए हो जाती थी बिकॉज पेरेंट्स घर आते थे तो वो सेट हो जाती थी और वो पूछते थे कहाँ गई, कुछ पता नहीं, तो टूट। वो क्लीन अप भी हो जाती थी उनके आने से पहले, सब सेट हो जाती थी। जैसे तीन पिलोज होते थे तो दोनों को दो चाहिए होते थे। मैं छोटे से बात कर रहा था कि आज तेरी बारी कल मेरी बारी, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, और डेज हमने डेज कर रखा, और अगर किसी का काम हमने करना हो कि मैं तेरा काम तब करूंगा कि एक बारी और मेरी। अच्छा ठीक है। अमित की बहुत ही क्लोज फ्रेंड वेरोनिका भी हमारे साथ हैं, इनके काम के बारे में कुछ बताइए। और इन बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, आप दोनों को अटैच करने वाली इनके अंदर वो क्या बात है? इसका ढीट नेचर, वेरी स्टबर्न बॉय। ये आया था मेरा ट्रूप ज्वाइन करने एज अ डांसर, तो इसको एक दो दफ़ा मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी कॉस्ट्यूम्स में, तो ही डिज़ाइंड फॉर मी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत इनोवेटिव थी, बहुत क्रिएटिव थी। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज इनकी कॉस्ट्यूम्स मैंने पता नहीं कितनी कंट्रीज में पहनी हुई हैं या कितने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में या शोज में पहने हुए हैं, एंड आई हैव ऑलवेज बीन प्राउड। जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत अच्छे डांसर हैं और इन्होंने आपके साथ काफ़ी परफॉर्म किया है, हमें इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चली हैं क्योंकि हम इनके स्कूल पहुंच गए थे। आप देखना चाहेंगे इनके टीचर्स क्या कहते हैं इनके बारे में? आइए आप भी देखिए कि स्कूल में अमित कैसे थे। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव इंस्पायर्ड यू सो मच, but you know Amit, one thing is there, I think I told you years back, seeing you immaculately dressed and doing those drawings and sketches that you must enter the glamour world. Yeah. Oh my god Amit, how are you? How are you? I'm good. Well, that's my Hindi teacher, one of my favorite teachers, Amita ma'am. Yeah, and my favorite student, Amit. I could make out that there's something about this boy. Isme kuch hai. He acted very well. Then we thought of debates, declamation. He used to speak very well on stage. Fit then one day, I thought that he sings very well. So I said, Amit, there's a competition. He said, no man, I can't do it. I said, Amit, ga ke to sunao. So he sang about 3-4 lines. One stupid, I don't remember the song, a very stupid song. I remember. What was it? Which Baba Sehgal song. Dil dhadke, mera dil dhadke. Okay. But sabse badhiya ye baat tha ki iske jo talent tha na, ye deserve. What do you call it? Designing. It never came to my mind. You know why? Because jab padhai hota tha, ye
तो साहब जी ने क्या करना, जूम किताब खोलना, ही वुड ऑल द टाइम ड्रॉ, यस कुछ ये ड्राइंग वो ड्राइंग, एंड आई वुड ऑलवेज से अमित उसको बंद करो. एकेडमिकली ही वाज ऑल राइट, नो इनडिसिप्लिन एवर, बट डांस म्यूजिक एक्स्ट्रा करिकुलर वाज समथिंग, वेल अमित वाज ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट. Anyway, at least very sure that he won't become a doctor, a lawyer, and an engineer. The clothes he designed, we wore that, and it was really appreciated. And we remember Amit for that also. And I hope we'll continue doing that. बिल्कुल, सिंगिंग की बात तो मुझे पता चली, डांसिंग तो हम चलिए यहाँ नहीं देख सकते हैं, हम वेरोनिका के ज़रिए और कुछ पिक्स जो हमारे पास हैं उसके ज़रिए हम दर्शकों को बताएंगे हाउ यू वर इन डांसिंग. एक गाना हो जाए अच्छा सा, स्पेशली वही तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे चांद रे, आजा दिल की जमीन, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती पे मिला दे मुझको, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, चांद रे आजा दिल की जमीन. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सपनों को आप लोगों से शेयर किया है कि यार मुझे इसका एक बार ड्रेस बनाने का मौका मिल जाए, इसके लिए मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ. ये बहुत बड़े फैन रहा है शुरू से ही श्रीदेवी का, और इसका एक ड्रीम तो है ही है. चाहे मुझे बचपन से इतनी पसंद थी कि मुझे बस यही है एम है, जैसे अभी आज मैंने धीरे धीरे से स्टार्ट करा, मोना सिंह, जिया खान, पूजा मिश्रा, फिर बार मैंने सोनाली बेंद्रे, इन सब का करा. तो मेरा एम गोल शायद वहाँ तक है कि मुझे श्रीदेवी के लिए डिज़ाइन करना है. अगर आपको मौका मिला तो आप किस कलर का और क्या पहनाना चाहेंगे उन्हें? डेफिनेटली मुझे लगता है श्रीदेवी के लिए मैं मस्टर्ड येलो ज़रूर बनाना चाहूँगा, क्योंकि चांदनी मूवी में जब उसने मस्टर्ड येलो डाला था तो मुझे लगा कि वाह मस्टर्ड येलो कलर अच्छा होता है. अमित, लास्टली टेल मी, what success mantra you would like to give to upcoming designers? I think so, follow your dreams and do your best whatever you want to do. Aap koi bhi field mein jana chahte ho usko bas follow karo aur peecha mat chodo, pad jao bhoot ki tarah peeche pad jao, definitely aap kahin na kahin zarur upar aaoge. बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और हम ढेर सारी दुआएं करते हैं कि इसी तरह से आप लोग इनकी सक्सेस को एंजॉय करें, ये खुशी के पल इसी तरह जीते रहें. एंड अमित, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर टीम, और आपके सुंदर से सुंदर डिज़ाइंस हमें हमेशा रैंप पर और सेलिब्रिटीज़ पर दिखें, और हाँ वहाँ नाम हो डिज़ाइनर अमित तलवार. नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू, माय प्लेजर. तो ये थे डिज़ाइनर अमित तलवार, जिनके हर डिज़ाइन में कुछ ख़ास होता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर पल को बहुत ही क्रिएटिवली जिया है. अगर आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है तो उसे छुपाएं ना, उसे बेहतर बनाएं, बाहर निकालें. इसी उम्मीद के साथ कि अमित तलवार से आपने ढेर सारी प्रेरणा ली होगी, रूबरू में आज बस इतना ही. अगली बार मुलाकात होगी किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ. रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड बाय बाय. हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? और अगर ऐसी ही किसी शख्सियत की कामयाबी की कहानी आप देखना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, rubaru@saadhananews.net.